देखिए, जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग बारंबार किया जाता है, ऐसे में अगर इनको कोई गाली वाली बाई कह दे तो चिढ़ जाती हैं, तो कृपा करके शब्दों की सी बना ली, कीड़ा कह देंगी, किसी कुछ कह देंगी, तो आपको जो है गालियां बकनी, अपने घर में बकिए, सार्वजनिक चैनल पे जिस तरह की आप गालियां बक रही हैं, ये सार्वजनिक बहस में, विमर्श में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। कृपया इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें, हम सिर्फ आपको सलाह ही दे सकते हैं। खैर, आपका संस्कार शेष है। मुझे दुनिया की कोई ताकत निशिकांत दुबे को बददिमाग कहने से रोक नहीं सकती है। वो आदरणीय मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति एक महिला सांसद और महिला विधायक को वैशाली की नगर वधु मतलब की वेश्या बुलाएगा, उसकी जगह सदन में हो नहीं सकती है, वो आदरणीय हो नहीं सकता है। उसके बारे में स्मृति ईरानी को बोलना चाहिए, स्मृति ईरानी को उसकी निंदा करनी चाहिए और उनसे माफी मंगवानी चाहिए। वैशाली की नगर वधु, ये शब्द आपके सांसद के हैं, मेरे नहीं है, जो उन्होंने एक महिला सांसद और महिला विधायक के लिए कहे हैं। माफी मांगिएगा, शोक जताइएगा, कहिएगा निशिकांत दुबे ने गलत काम किया, उनको माफी मांगनी चाहिए, अपना ट्वीट और अपना फेसबुक पोस्ट डिलीट करना चाहिए। अगर ये नैतिकता बाकी है तब तो दाढ़ी बढ़ाइए नवरात्र में, नहीं तो रहने दीजिए ये सारी बातें। एक महिला को वैशाली की नगर वधु कहना, कैसे ढोंगी लोग हैं आप लोग। वेस्ट बंगाल से सांसद मोहा मोत्रा ने निशिकांत दुबे के ऊपर फर्जी PhD रखने का आरोप लगाते ही उधर से दुबे जी ने मोहा मोत्रा को वेश्या होने का दावा कर दिया। उसी को लेके BJP प्रवक्ता प्रेम शुक्ला बार बार निशिकांत दुबे के पक्ष में बात को आगे बढ़ाने लगे, पर सुप्रिया जी भी कहा रुकने वालों में से है। प्रेम शुक्ला की बात को काटते हुए ढोंगी प्रवक्ता कहने से भी पीछे नहीं हटे, ऐसा सबक सिखाया कि बेचारे की हालत पतली हो गई। और उस बीच अजय आलोक ने जो राजनीतिक विश्लेषक बनके मोदी जी की दलाली का काम कर रहे थे उसको भी बंद करवा दिया। अडानी की शेल कंपनीज में 20,000 करोड़ डाले गए, ये सूचना कहां से मिली? राहुल गांधी के भाषण में एक बार भी JPC का जिक्र नहीं। अब बाकी लोग कह रहे हैं JPC बनाओ, तो 15-20 दिन थोड़ी राजनीतिक उछल कूद, थोड़ा काला कपड़ा में डॉन वॉन बन के घूमने का थोड़ा अच्छा चलेगा राजनीतिक ऑप्टिक्स में। काले कपड़ों से बड़ी दिक्कत है लोगों को, आपने लोकतंत्र को कलंकित कर दिया है तो काला तो पहनना ही पड़ेगा ना लोगों को, सांसदों को, जिस लोकतंत्र को आप कलंक, ये क्या कह रहे, कोई नहीं मांग रहा, सारा विपक्ष लामबंद होकर JPC की मांग कर रहा है और सदन का अवरोध सत्ता पक्ष कर रहा है और ये कह रहे कोई मांग नहीं कर रहा। अरे भैया, गूंगी बहरी सरकार है, ये जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए ये भी कैसी बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? 20 पार्टीज ने लिख कर दिया है JPC के लिए, सरकार सदन चलने नहीं दे रही JPC के लिए और आप कह रहे हैं JPC की मांग नहीं आ रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि नहीं हमने क्योंकि अडानी के केस में 20,000 करोड़ के घपले की आवाज उठाई, JPC की मांग की, इसलिए राहुल गांधी को संसद से बाहर करने के लिए षड्यंत्र किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तुरंत JPC का गठन करके इनकी बोलती बंद कर देनी चाहिए कि भाई हम तो ईमानदारी से चला रहे हैं सरकार, न खाएंगे न खाने देंगे, एक रुपए के भी हेर फेर नहीं है। अडानी तो बहुत ईमानदार आदमी है, जो कुछ हुआ फेर हुआ है, क्यों कांग्रेस को बोलने का मौका देती है? बार बार कांग्रेस आपको आरोप लगाती है। राफेल में भी बैठा तो एक JPC और प्रधानमंत्री केयर फंड में, जो PM केयर फंड में RTI में जवाब नहीं दिए जा रहे हैं, कितना रुपया आया, कहाँ खर्च हुआ, उसमें भी उसे RTI के दायरे में ले आओ, पाक साफ हो जाओ बिल्कुल। और अगर नहीं करोगे तो देखो संदेह पैदा होता है, फिर तो देश के हर नागरिक को ये लगता है कि चौकीदार ही चोर है।